यूं तो आम तौर पर दुकान की बिक्री को बढ़ाने को लेकर बहुत सारे उपाय मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, और हमारे भक्तों के उत्तर आते हैं कि शास्त्री जी, उपाय हमने किया, उपाय से हमें बहुत लाभ हो रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि आपकी दुकानदारी हमेशा चलती रहे, आपका बिजनेस हमेशा चलता रहे, और उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे उपाय हम लेकर के आते रहें। लेकिन केवल उपाय करना आपका कर्तव्य नहीं है, आपका सबसे पहला जो मुख्य और सबसे बड़ा कर्तव्य है वह है मेहनत करना। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी उपाय आपके लिए काम करेगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो कोई भी उपाय आप कर लें, कोई उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जो लोग कर्म करते हैं, जो अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। मेरे प्यारे भक्तों, हम आपसे कोशिश करते हैं कि आप हमें अपने प्रश्नों के उत्तर भेजें, आप हमें बताएं कि जो उपाय आपने किया है उन उपायों से आपको कितने दिन में रिजल्ट मिले हैं और कैसा आपको उपाय करने के बाद फल मिला है। हमारे साथ शेयर करते रहे ताकि हमें पता चलता रहे कि जो उपाय हम आपके लिए लेकर के आते हैं उनसे आपको लाभ की प्राप्ति हुई है। साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं शहद से जुड़ा हुआ उपाय आपके लिए लेकर के आया हूँ। शहद का बहुत ही आसान सा यह उपाय है जिसको अगर आप करेंगे तो भरोसा रखिए, बहुत जल्द आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वह बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। साथियों, अक्सर कई बार क्या होता है कि हमारा जो व्यापार होता है या जो दुकान या कोई बिजनेस होता है उसमें कई तरह के नेगेटिव दोष पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी अच्छी खासी चलती हुई दुकानदारी भी बंद हो जाती है, या जैसा हमारा अच्छा काम चलता है वह पहले की तरह नहीं रहता। तो आज मैं आपके साथ शहद और दही का एक ऐसा उपाय शेयर करने वाला हूँ जो कि अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करूं अच्छी तरह से यह उपाय आपके समझ में आ जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी दर्शक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए, माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जय माता की। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको दुकानदारी में लगातार नुकसान हो रहा है, आप अपनी दुकान में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात अथक प्रयास करने के बाद भी आपको बिजनेस में सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी दुकान में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दुकान पर कुछ बुरी नज़र का असर हो। कई बार हमारी दुकान में टोक लग जाती है जिसके कारण भी हमारा अच्छा खासा चलता हुआ काम मंदा पड़ने लगता है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी हैं। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको दुकानदारी में, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, तो वहाँ पर आपने विचार विमर्श करना है। आपका जो कुल पुरोहित है, या अगर आप किसी विद्वान ब्राह्मण को जानते हैं, उनसे आप परामर्श जरूर करें, क्योंकि हर समस्या का समाधान है, अगर ज़रूरत है तो सही गाइडेंस की। साथियों, चलिए अब मैं आज का उपाय आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने बाज़ार से शुद्ध शहद लेकर के आना है। किसी भी दिन आप शहद लेकर के आ जाएं, और आपने थोड़ी दही भी लेनी है, एक कटोरी दही भी आप ले सकते हैं। उस एक कटोरी दही के अंदर आपने शहद की जो छोटी शीशी होती है वह पूरी शीशी डाल लेनी है, और अच्छी तरह से दही में शहद मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने
इस दही शहद को चलते हुए पानी में प्रवाहित करके आना है सुबह के समय। जी हाँ, जहाँ पर साफ पानी, अच्छा पानी बह रहा हो, वहाँ पर जाकर आपने दही शहद को बहा देना है और लगातार 21 दिन यह प्रोसेस आपने करना है। अपनी दुकान का ध्यान करके, अपने बिजनेस का ध्यान करके लगातार 21 दिन आप चलते हुए साफ पानी में दही और शहद बहा दें। साथियों, मात्र इस उपाय के करने से आपकी बिजनेस में, आपकी दुकान में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी। अगर बिजनेस में किसी भी तरह की कोई रुकावट आपको आ रही थी, किसी भी तरह की कोई अड़चन आपको आ रही थी, तो इस उपाय के करने से तमाम परेशानियां दूर होंगी। लेकिन यहां पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब दही और शहद के इस उपाय को आप कर रहे हो, पहला, किसी के साथ तो यह शेयर नहीं करना है कि आप क्या उपाय कर रहे हैं। दूसरा, जब तक आप इस उपाय को करेंगे, लगातार 21 दिन आपने यह उपाय करना है, बीच में एक दिन भी आपने गैप नहीं डालना है। अगर आपने बीच में एक दिन का गैप भी डाल दिया तो वहीं पर यह उपाय निष्फल हो जाएगा, वहीं पर यह उपाय खराब हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से इस उपाय को प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं लगातार इस उपाय का रिजल्ट आपको मिले, तो कंटिन्यू आपने 21 दिन यह कार्य करना है, बिना रुके 21 दिन आपने यह प्रोसेस करना है। और परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखिए कि जितना जल्दी, जितना सच्चे मन से, जितना श्रद्धा भाव से आप इस उपाय को करेंगे, उतना जल्दी आपको इस उपाय के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। साथियों, बेहद ही सरल लेकिन दिव्य महाशक्तिशाली यह उपाय है, क्योंकि आप भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी ऐसे उपाय बताएं जो आसानी से हम, जो कम समय में हम कर सके। तो ऐसे उपाय हम कोशिश करते हैं आपके लिए लेकर के आते रहें। लेकिन यहाँ पर आपका कर्तव्य भी बनता है कि जो भी उपाय हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसको आगे आप शेयर जरूर करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक जरूर पहुंच सके। साथियों, मेहनत लगती है, बड़ा परिश्रम लगता है आपके लिए उपाय लेकर के आने में। केवल 2 सेकंड का समय निकाल करके एपिसोड को शेयर जरूर कर दें, ताकि हमें अच्छा लगे, हमें पता चले आपको एपिसोड पसंद आया है। तो साथियों, अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करेंगे, कमेंट में जय माता की जरूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।